हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको यूनिक्स और लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, वो भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में भी। तो जो लोग यूनिक्स लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज हम यूनिक्स के कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिक्स कमांड्स ट्यूटोरियल 1। आइए देखते हैं कौन कौन से कमांड्स आज हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला कमांड है PWD कमांड। PWD कमांड स्टैंड्स फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इट प्रिंट्स द करेंट डायरेक्टरी नेम विद द कंप्लीट पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम रूट। जब भी आप PWD कमांड यूज़ करते हैं तो ये करेंट वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि उस डायरेक्टरी का नाम क्या है और उसका फुल पाथ क्या है। और पाथ हमेशा रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है, विच इज़ इंडिकेटेड बाई स्लैश सिंबल। आइए प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखते हैं। ये हमारा यूनिक्स का प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर हम PWD कमांड टाइप करते हैं। देखिए, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी राकेश नाम से है, इसका कंप्लीट पाथ शो हो रहा है /home/Rakesh। अगर हम किसी दूसरी डायरेक्टरी में स्विच करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अमित नाम की डायरेक्टरी में स्विच करते हैं और यहाँ पर PWD कमांड देते हैं, अब हमारी करेंट वर्किंग डायरेक्टरी है अमित, विच इज रिसाइड इन राकेश एंड राकेश रिसाइड इन अ होम। दिस इज द कंप्लीट पाथ ऑफ अमित डायरेक्टरी। नेक्स्ट कमांड हमारा है mkdir कमांड। mkdir कमांड स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट और मेक न्यू डायरेक्टरीज। अगर आप करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में नई डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज बनाना चाहते हैं तो mkdir कमांड का यूज़ किया जाता है। इसे यूज़ कैसे करते हैं? mkdir कमांड देते हैं, फिर स्पेस देते हैं और न्यू डायरेक्टरी का नाम मेंशन करते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं इसे। हम यहाँ पर टाइप करेंगे mkdir स्पेस 1 1 2, एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए प्रॉम्प्ट हमारा वापस दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि 112 नाम से हमारी एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। दूसरी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, mkdir स्पेस 122 233। अगर हम दो डायरेक्टरी नेम एक साथ देते हैं विद द स्पेस तो ये दो डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। इस तरीके से हमारी दोनों डायरेक्टरी एक साथ क्रिएट हो गई। अगर हम एक डायरेक्टरी देते हैं तो एक सिंगल डायरेक्टरी क्रिएट होगी, अगर आप मल्टीपल डायरेक्टरी देते हैं तो मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाती है। आइए अपने नेक्स्ट कमांड पर चलते हैं, विच इज cd कमांड। cd कमांड स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। दिस कमांड इज यूज टू चेंज द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। करेंटली आप जिस डायरेक्टरी पे होते हैं उस डायरेक्टरी से चेंज करके हम किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं या वापस से पैरेंट डायरेक्टरी में आना चाहते हैं तो उसके लिए cd कमांड का यूज़ करते हैं। इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है? cd कमांड देते हैं, फिर कुछ ऑप्शंस हैं उसे यूज़ करते हैं और डायरेक्टरी का नाम देते हैं। ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन में पहला है डबल डॉट। डबल डॉट इज़ यूज टू चेंज करेंट डायरेक्टरी टू पैरेंट डायरेक्टरी, यानी करेंट डायरेक्टरी से अगर हमें पैरेंट डायरेक्टरी पर आना है तो हम डबल डॉट यूज़ करेंगे। दूसरा ऑप्शन है टिल्ट सिंबल। दिस ऑप्शन इज़ यूज टू मूव यूज़र होम डायरेक्टरी फ्रॉम एनीवेयर। आप किसी भी डायरेक्टरी पे हैं, किसी भी पाथ पर हैं, वहाँ से डायरेक्टली आपको होम डायरेक्टरी पर शिफ्ट करना है तो आप cd के साथ टिल्ड सिंबल का यूज़ करेंगे। अगर आप करेंट वर्किंग डायरेक्टरी से डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी पे आना चाहते हैं तो हम cd/ का यूज़ करेंगे। प्रैक्टिकली आइए देखते हैं इसे। सपोज अभी हम अपनी डायरेक्टरी को चेंज करके अमित की डायरेक्टरी में आ गए। ये देखिए हमने लिखा cd अमित, तो करेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी राकेश थी, अब हम अमित की डायरेक्टरी में आ गए। वेरीफाई अगर करना है तो pwd कमांड देके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि करेंटली कौन सी डायरेक्टरी पे हम हैं। अगर हम यहाँ से डायरेक्टली अपनी होम डायरेक्टरी पे आना चाहते हैं
तो हम लिखेंगे सी डी स्पेस टिल्ड सिंबल। यहाँ से हम डायरेक्टली अपने होम डायरेक्टरी पे आ गए हैं जो कि राकेश नाम की डायरेक्टरी है। वेरीफाई करने के लिए पी डब्ल्यू डी कमांड दीजिए। देखिए राकेश नाम की डायरेक्टरी पे आ गया। अगर हम डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी पे आना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है सी डी स्पेस स्लैश। ये शो करता है कि हम रूट डायरेक्टरी पे हैं। वेरीफाई करने के लिए आप पी डब्ल्यू डी कमांड दीजिए। तो देखिए अभी यहाँ पर केवल स्लैश दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब हम करेंटली रूट डायरेक्टरी पे हैं। अब अगर रूट डायरेक्टरी से वापस आपको अपनी होम डायरेक्टरी पे आना है तो सी डी स्पेस टिल्ड सिंबल का यूज़ करेंगे। अब हम वापस से अपने होम डायरेक्टरी पे आ गए। आइए नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा है एलएस कमांड। एलएस कमांड बेसिकली लिस्ट कमांड होता है, यूनिक्स और लिनक्स दोनों में से यूज़ करते हैं। इट विल शो द फुल लिस्ट और कंटेंट ऑफ योर डायरेक्टरी। आपकी डायरेक्टरी के सारे कंटेंट को ये स्क्रीन पर शो करता है। इसे यूज़ करने के लिए आप ls कमांड के साथ में फाइल नेम या फिर डायरेक्टरी नेम देते हैं। कुछ ऑप्शंस भी हैं जो ls के साथ में हम यूज़ करते हैं, उनके बारे में भी समझते हैं। पहला ऑप्शन है हाइफन l स्मॉल l। जब आप हाइफन स्मॉल l देते हैं तो इट विल लिस्ट द फाइल्स इन लॉन्ग फॉर्मेट, दैट इज डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन इन 7 कॉलम। आइए वन बाई वन प्रैक्टिकली इसको देखते हैं करके। हमने यहाँ पर कमांड दिया ls स्पेस हाइफन l। तो जैसे ही आपने दिया ls स्पेस हाइफन l, वैसे ही करेंट डायरेक्टरी जो हमारी राकेश नाम की थी उसमें जो भी डायरेक्टरी और फाइल्स थी वो सब की डिटेल इस तरीके से डिस्प्ले होने शुरू हो जाती है। ये डिटेल 7 कॉलम्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट कॉलम ये है, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स कॉलम एंड 7 कॉलम। तो ls हाइफन l ऑप्शन सारी फाइल्स और डायरेक्टरी की डिटेल 7 कॉलम्स में डिस्प्ले करता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ls स्पेस हाइफन a लिस्ट ऑल द फाइल इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स, दीज आर फाइल्स दैट स्टार्ट विद डॉट। अब अगर आप केवल माइनस a या हाइफन a देते हैं तो उस केस में हिडन फाइल्स शो कर देगा। ये देखिए आपकी लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में नहीं आया क्योंकि हमने हाइफन l नहीं दिया था। आपकी पर जो इन्फॉर्मेशन आई वो इस तरीके से आपको शो हो रही है। इसमें देखिए डॉट डबल डॉट डॉट बैश हिस्ट्री डॉट बैश लॉगआउट, जो फाइल नेम डॉट से शुरू हो रही हैं वो सारी की सारी हिडन फाइल्स थी जो कि इस ऑप्शन के थ्रू शो हो रही हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ls हाइफन r। हाइफन r ये फाइल्स को रिकर्सिवली डिस्प्ले करता है, यानी ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में ये डिस्प्ले करता है। प्रैक्टिकली देखते हैं इसको, ls स्पेस हाइफन आर। अब देखिए इसने सारी डायरेक्टरीज और फाइल्स को शो किया पहले, फिर हर डायरेक्टरी के अंदर जो उसकी सब डायरेक्टरीज हैं उसको डिस्प्ले कर दिया। तो ये कमांड रिकर्सिवली डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज को शो करता है और साथ ही साथ उसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ls हाइफन आई। ls हाइफन आई इंडेक्स नंबर के फॉर्म में फाइल्स को शो करता है। जो भी आपकी डायरेक्टरीज हैं और जो आपकी फाइल्स हैं उसे इंडेक्स नंबर के फॉर्म में शो करता है। इनोड नंबर एक होता है, इंडेक्स नंबर नहीं कह सकते इसे, इसे बेसिकली इनोड नंबर भी कहते हैं, इस इंडेक्स नंबर को इनोड नंबर। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ls हाइफन s। ls हाइफन s जो भी डायरेक्टरीज हैं और फाइल हैं उन्हें एक्चुअल साइज के अकॉर्डिंग शो करता है। ls हाइफन s लिस्ट द फाइल्स अलॉन्ग विद देयर साइज। अभी हमारी डायरेक्टरीज या फाइल्स में कुछ भी कंटेंट नहीं है इसलिए वो जीरो बाइट्स दिखा रहा है, जीरो जीरो बाइट्स हैं, कोई बाइट्स कंटेन नहीं कर रहा है। स्मॉल आर रिवर्स द शॉर्टिंग ऑर्डर। अगर आप स्मॉल आर देते हैं हाइफन के साथ तो रिवर्स ऑर्डर में फाइल्स को डिस्प्ले करेगा, यानी जो नॉर्मल ऑर्डर होगा उसको रिवर्स कर देगा। तो इस तरीके से ls कमांड और उसके ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा है कैट कमांड। कैट कमांड इज यूज टू क्रिएट फाइल्स, इट ऑल्सो डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फाइल्स ऑन द आउटपुट स्क्रीन। कैट कमांड का बेसिकली यूज किया जाता है कि फाइल्स को क्रिएट करते हैं और फाइल के कंटेंट को स्क्रीन पे शो कराने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं इस कमांड के। पहला फॉर्म देखिए, कैट के साथ में फाइल नेम देते हैं। अगर कैट के साथ में फाइल नेम मेंशन करेंगे तो ये फाइल के कंटेंट को स्क्रीन पे शो करेगा। प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज को, कौन कौन सी फाइल क्रिएट है इसके लिए ls कमांड दिया। तो उसमें देखिए
फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, सेकेंड डॉट टी एक्स टी एंड थर्ड डॉट टी एक्स टी फाइल है। अगर हमें कंटेंट चेक करना है तो कैट स्पेस फर्स्ट डॉट टी एक्स टी कमांड दिया, तो फर्स्ट डॉट टी एक्स टी फाइल में ये कंटेंट लिखा हुआ है तो वो उसको शो कर दिया उसने। तो कैट स्पेस फाइल नेम देंगे तो उस फाइल के कंटेंट को शो कर देगा। नेक्स्ट फॉर्म देखिए क्या है, कैट फाइल नेम वन स्पेस फाइल नेम टू। अगर आप मल्टीपल फाइल्स देते हैं तो ये मल्टीपल फाइल्स के कंटेंट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज़ को, हमने दिया कैट फर्स्ट डॉट टी एक्स टी फर्स्ट फाइल नेम, उसके बाद थर्ड डॉट टी एक्स टी, हमने दो फाइल नेम दिए तो देखिए दोनों फाइल नेम के कंटेंट को उसने शो कर दिया। फर्स्ट फाइल नेम में ये कंटेंट लिखा था और थर्ड फाइल नेम में ये कंटेंट लिखे हुए, तो दोनों फाइल के कंटेंट को उसने शो कर दिया। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं इसका, कैट हाइफन एन और फिर फाइल नेम देते हैं। ये क्या करेगा, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फाइल विद द लाइन नंबर ऑन द स्क्रीन, यानी कि फाइल में जो कंटेंट लिखा होगा उसको लाइन नंबर के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर देगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, हमने यहाँ पे दिया कैट स्पेस हाइफन एन थर्ड डॉट टी एक्स टी, तो ये इस फाइल को लाइन नंबर के फॉर्म में शो कर देगा, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन। तो दिस कमांड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फाइल अलॉन्ग विद द लाइन नंबर। नेक्स्ट फॉर्म इसका देखते हैं, कैट स्पेस एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे और न्यू फाइल नेम देंगे। ये कमांड क्या करेगा या ये फॉर्म क्या करेगा कैट का, ये बेसिकली न्यू फाइल को क्रिएट करेगा, क्रिएट्स न्यू फाइल। व्हेन रन दिस कमांड ऑन द टर्मिनल वंस यू आर डन जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस टी, यानी जब आप फाइल क्रिएट करेंगे तो उसमें कंटेंट कुछ टाइप करेंगे, जब आपका कंटेंट टाइप हो जाए तो कंट्रोल प्लस टी प्रेस करके उसको स्टॉप करेंगे। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कैट स्पेस ग्रेटर देन एसएस डॉट टी एक्स टी। अब यहाँ पर कंट्रोल नीचे आ गया है, कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, यहाँ आपको टाइप करना है दिस इज माय फर्स्ट यूनिक्स फाइल, एंटर किया फिर कर्सर नीचे आ गया। तो जब तक आप टाइप करना चाहेंगे तब तक ये टाइप होता रहेगा, उसके बाद कंट्रोल के साथ में डी की प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो गई। इस तरीके से आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड देखिए इसी में क्या है, कैट सोर्स फाइल ग्रेटर देन डेस्टिनेशन फाइल। इस फॉर्म से या इस ऑप्शन से हम फाइल को कॉपी करते हैं, एक फाइल को कंटेंट को दूसरी फाइल में कॉपी करना कहते हैं। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी हमने एस एस डॉट टी एक्स टी फाइल बनाई है, इसको सेकेंड डॉट टी एक्स टी में डिस्प्ले, सेकेंड डॉट टी एक्स टी में इसको कॉपी करके देखते हैं। पहले कंटेंट चेक करें कि सेकेंड में है क्या, तो कैट सेकेंड डॉट टी एक्स टी, सेकेंड डॉट टी एक्स टी में लिखा हुआ है दिस कमांड शो मल्टीपल फाइल्स। अब हमें क्या करना है, हमें एस एस डॉट टी एक्स टी का कंटेंट सेकेंड में कॉपी करना है। तो हमने लिखा कैट एस एस डॉट टी एक्स टी सोर्स फाइल नेम स्पेस ग्रेटर देन का सिंबल लगाया फिर स्पेस अब की बार सेकेंड डॉट टी एक्स टी कर दिया। इस कमांड से होगा क्या, इस कमांड से सेकेंड डॉट टी एक्स टी में जो पहले का कंटेंट लिखा हुआ है ये वाला, ये ओवरराइट हो जाएगा और एस एस डॉट टी एक्स टी का कंटेंट कॉपी हो जाएगा। करके देखते हैं, देखिए शो कंट्रोल आ गया वापस प्रॉम्प्ट पे। अब यहाँ पर कंटेंट डिस्प्ले कराइए, कैट सेकेंड डॉट टी एक्स टी, तो दिस इज माई फर्स्ट यूनिक्स फाइल, ये हमारा एस एस में लिखा हुआ था, दिस इज माई फर्स्ट यूनिक्स फाइल, ये एस एस में लिखा हुआ था, तो अब ये फाइल सेकेंड में भी आ गया, तो सेकेंड में जो कंटेंट था वो ओवरराइट होके नया कंटेंट आ गया। तो ये हुआ कॉपी द फाइल, यानी एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करना। नेक्स्ट फॉर्म है कि कैट सोर्स फाइल नेम डबल ग्रेटर देन सिंबल डेस्टिनेशन फाइल नेम। अगर आप डबल ग्रेटर देन देते हैं तो सोर्स फाइल का कंटेंट डेस्टिनेशन फाइल में अपेंड हो जाता है, यानी कि डेस्टिनेशन फाइल का कंटेंट डिलीट नहीं होगा बल्कि डेस्टिनेशन में जो लिखा होगा उसके एंड में जाकर ये वाला कंटेंट कॉपी हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सेकेंड में कंटेंट लिखा हुआ है दिस इज माई फर्स्ट यूनिक्स फाइल, अब हम इसे फर्स्ट में अपेंड करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे कैट एस एस डॉट टी एक्स टी स्पेस दो बार ग्रेटर देन का सिंबल लगाया और यहां पर हमने लिखा फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। तो फर्स्ट डॉट टी एक्स टी में जो कंटेंट लिखा होगा, देखिए ये कंटेंट लिखा हुआ है, इसके आगे हमारा एस एस का कंटेंट ये ऐड हो जाना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। कमांड लिखा हमने, एंटर की प्रेस किया, एंटर की प्रेस करने के बाद में कंट्रोल हमारा वापस प्रॉम्प्ट पे आ गया, हमने डिस्प्ले किया कैट फर्स्ट डॉट टी एक्स टी।
देखिए, कैट इज़ अ यूनिक्स कमांड, इट शोज कंटेंट ऑफ फाइल, ये हमारा फर्स्ट का था, और दिस इज माई फर्स्ट यूनिक्स फाइल, ये हमारा एसएस का कंटेंट था, यानी कि एसएस का कंटेंट हमारा फर्स्ट में अपेंड हो गया। इस तरीके से आज हमने कुछ बेसिक्स कमांड के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये कमांड्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।